हर आदमी सोता है और जागता है, कोई आदमी ऐसा मिलेगा नहीं जो सोता जागता ना हो। तो जो आदमी रोज एक कमल करता है उसमें शैतान हट गया कि इसको जाने दो, सोने दो, जागने दो, या सोना भी और जागना भी शरीर तो सुन्नत के खिलाफ कराएगा, यकीनन कराएगा। तो हम यहां से शुरू कर लें, अपना तजिया करें, अपने हाल को देखें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं सुन्नत के खिलाफ सो रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ जाग रहे हैं। सुन्नत के खिलाफ सोने जागने का मतलब सिर्फ आदाब और रियायत नहीं कि सोने के टाइम ये पढ़ना है और ऐसे सोना है, बल्कि सबसे बड़ी चीज तो कि कब सोना है, कैसे सोना तो बात का नंबर है, कब सोना है ये तो पहले नंबर है। और इसमें क्या वो कुछ दखल अंदाजी करता है कि हमें देर कराता है? अगर आज से गौर करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह से मांगेंगे, तो फिर रास्ता समझ में आने लगेगा कि ये जो काम है ये कल करेंगे, ये जो काम है ये कल करेंगे। यानी रात को जल्दी सोने के लिए जितना काम याद दिला रहा है, जो टाला जा सकता है, जो फर्ज वाजिब ना हो, किसी से वादा ना हो और कोई ऐसी चीज ना हो जिस जो शरई रुकावट बन जाती है, तो एक अलग बात है। इसमें हमें बहुत गफलत है, हम बस सोचते हैं क्या हरज क्या है, क्या हरज है, ये काम कर लो तो सो जाऊंगा। ये तो ये वो जो क्या हरज है ना, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो शैतान वसों से डालते, कोई हरज की बात नहीं, ये काम तो कर ही डालेंगे, क्या हुआ, अब पटा डालो ना यार, अभी ये काम फैला है, अभी खत्म कर डालो ना यार, अभी ये फिर पता नहीं क्या हो। अच्छा चलो आज कर लिया, तो क्या पिछली जिंदगी को देखेंगे तो बहुत दफा नहीं किया, इतनी दफा किया कि तबीयत ही ये बन गई, कब इसका हिसाब किताब लगता ही नहीं, ये एक दिन में आदत नहीं बनाई गई, ये बहुत दिनों में आदत बनेगी। धीरे 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 उसने सोने के माहौल को बदला, और ये इतना नुकसानदेह है। सुन्नत से क्या साबित है, देर में सोना अक्सर, कभी की बात छोड़ो, कभी तो हालात होते होंगे तो हो जाता होगा, लेकिन जल्दी सोना है तो सुन्नत से हट गए कि नहीं। और शरई मजबूरी कुछ है नहीं, काम अपने अख्तियार में, काम अपने अख्तियार में, हम क्यों देर देर तक करते हैं? अच्छा देर तक से काम से फारिग होते हैं तो खाना देर में खाते हैं, खाना देर में खाते हैं और फिर इतना लेट हो जाता है कि अब जागना चाहे तो जाग नहीं सकते, अरे भाई बहुत बच गया अब सो जाओ। तो ये जागने में मतलब ये सो जाओ वाला नुकसान जो आ गया, तो एक नुकसान तो ये भी हो गया सो जाओ, अब जो सोओगे तो सेहत तो बर्बाद होगी। हम कभी जब बयान सुन लेते हैं ऐसी बातों का, तो ईमान वाले हैं तो हमें एहसास होता है अब हम अपने को बदलेंगे, एहसास होता है। लेकिन हमारा इस ये अमल जो है ये दो चार छः दिन हफ्ते दस दिन का होता है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हम कुछ बदल रहे थे अपने आप को, हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर हमें इस्तेकामत के साथ अमल की तौफीक हो जाती है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे, और ये मुसलसल एक फिक्र होनी चाहिए, मुसलसल फिक्र होनी चाहिए, नहीं हमें तो यही करना है, हमें तो यही करना है। हम सबको नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते, जब हम बदलेंगे तो बिगड़े आमाल वालों में एक तो बदल गया, सही वक्त पर आ गया, कोशिश करेंगे शायद दो चार भी तैयार हो जाएं, कोशिश करेंगे तो दो चार भी तैयार हो सकते हैं, दस बीस भी हो सकते हैं। अंबिया ने आकर जब कोशिश किया तो क्या एक दिन में सारे ईमान वाले हो गए थे? तो जब मेहनत की जाएगी अपनी जात पर तो हम खुद एक नमूना बनेंगे, और जब हम खुद नमूना बन जाएंगे तो हमारे अमल में हमारे इरादे की जो ताकत थी किसी को समझाने की वो पुख्ता हो जाती जब बाअमल आदमी होते। इसलिए बाअमल आदमी की बात असर करती है, जो कहते हैं ना बाअमल, तो हम जब बाअमल खुद को बना लेंगे बहुत अच्छे अंदाज में शैतान लाएगा, ये दीन का काम है, ये फला काम है, ये काम है, तो कर लेना दिन में जितना करना है, दीन का काम करना दिन में जितना करना है। अब तेरी जिम्मेदारी तो तेरी जात की है कि रात को उठ अल्लाह से मांग, तेरी मेहनतों से नहीं होगा, मेहनत छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन अल्लाह तेरे करने से होगा तो उसको मनाएंगे, और जब जल्दी सोएंगे तभी ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता।